हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेसिपी पिटारा में। और आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी शिमला मिर्च और टमाटर की मिक्स और सूखी सब्जी। तो यह रेसिपी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। हमने 4 से 5 खड़ी हरी मिर्च ली है, इसे पतले पतले आकार में काट लेंगे। 1 चम्मच जीरा और 2 से 3 तेज़पत्ता लिया है। धनिया की पत्तियों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके 2 से 3 चम्मच ले लिया है। गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, और हमने तेल लिया है सब्जी को छौंक लगाने के लिए, और बटर लिया है। और हमने 250 ग्राम आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 बड़े आकार का टमाटर और 1 छोटे आकार का शिमला मिर्च हमने लंबे आकार में पतला पतला काट करके ले लिया है। और 1 फूल हमने गोभी ली है। गोभी को हमने गर्म पानी से अच्छे से धो कर के ले लिया है। आप गर्म पानी से गोभी को ज़रूर धोएं। हमने सारी सब्जियों को काट करके इकट्ठा कर लिया है। अब पैन को गर्म करते हैं और पैन जब गर्म हो जाए तब उसमें तेल डाल देते हैं। तो पैन लगभग गर्म हो चुका है, अब हमें पैन में तेल डाल देंगे। यह सब्जी हमने घर के 5 से 7 सदस्यों के लिए बनाई है। अगर आपको इसमें से कम या ज़्यादा जो बढ़ाना है तो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तेल गर्म हो चुका है, उसमें हमने आलू और गोभी को डाल करके 3 से 4 मिनट तक भूनना है। सब्जी को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और सब्जियां लगभग फ्राई हो चुकी हैं। हमने थोड़े ही तेल में सब्जी को फ्राई किया है क्योंकि हमें अभी इसमें बटर डाल करके सब्जी को छौंक लगानी है। तो सब्जी को हम किनारे कर लेते हैं। आप चाहें तो सब्जी को निकाल करके भी बटर के साथ तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हमने सब्जी को किनारे लगा लिया है। अब हमें इसी में हमने 2 स्लाइस छोटे ले लिए हैं बटर के, अब डाल देंगे। तो बटर लगभग जब मेल्ट हो जाए तब हमें इसमें तेज़पत्ता और जीरा को डाल देना है। देखिए हमने जीरा डाल दिया है और चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर देंगे, नहीं तो सब्जियां नीचे से जलने लगेंगी। तो हमें जीरे को इस तरह हल्का सा चटकाना है और तेज़पत्ता को भी डाल करके दोनों तरफ से उलट पलट करके सेक लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो यह प्रोसेस आलू और गोभी को फ्राई करने से पहले भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें तेल और बटर को एक साथ डालना पड़ेगा। तो सब्जी लगभग देखिए फ्राई हो चुकी है। अब हम जीरा और तेज़पत्ता को गोभी और आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। सब्जी भी लगभग फ्राई हो चुकी है और अब हमें बाकी के जो हमने मसाले लिए हैं उसे सब्जी में ऐड करना है। तो चूल्हे का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल करके अच्छे से चलाएंगे। सूखे सारे मसाले हमें इसी टाइम ऐड कर देने हैं और हमारी आलू और गोभी भी आधा पक चुकी है, बस आधा पकाना बाकी है। तो जो बाकी का बचा हुआ है उसे हम मसालों के साथ पका लेंगे। तो गरम मसाला डाल दिया है हमने, हल्दी पाउडर डाल दिया है और लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको और भी ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मल तीखा बनाने के लिए इतना पाउडर पर्याप्त है। तो हम मसालों को सब्जी के साथ मिक्स करेंगे और हमें बिल्कुल भी थोड़ा सा एक छोटी आधी कटोरी पानी डाल देना है ताकि मसाले जलने ना पाएँ और सब्जी भी बन जाए। तो पानी डाल करके हमें एक बार फिर अच्छे से चला लेना है और आँच को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है हमको। सब्जी को लगातार चलाते रहेंगे 1 से 2 मिनट के अंतराल में और अभी से हम इसी तरह से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या नॉर्मल 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं।
अब हमें सब्जी को ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट लगभग हो गए हैं। अब सब्जी को खोल करके हम चेक कर लेते हैं। अब हमें सब्जी में शिमला मिर्च और टमाटर दोनों को डाल देना है। शिमला मिर्च और टमाटर को सब्जी आधी पकने के बाद ही डालेंगे, क्योंकि दोनों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। शिमला मिर्च और टमाटर दोनों ही जल्दी से पक जाते हैं। अगर हम पहले ही डाल देंगे तो सब्जियों में ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो सब्जी को एक बार हम फिर अच्छे से चला लेंगे। और अभी हमें सब्जी को 5 से 7 मिनट पकाना है, क्योंकि अभी आधी सब्जी पकनी बाकी है। तो इसी तरह से हम चलाते हुए सब्जी को पका लेंगे। तो सब्जी बन करके बिल्कुल भी रेडी हो गई है। अब हमें नमक थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक और भी डाल देंगे, ताकि सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आए। नहीं तो सब्जी आप कितना भी टेस्टी बनाइए, अगर नमक थोड़ा कम रहता है तो सब्जी का पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। तो सब्जी में हरी धनिया की पत्तियां डाल करके एक बार फिर से चला लेंगे। और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो आलू गोभी की मिक्स सूखी सब्जी खाइए, आनंद लीजिए। और यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।